आज दो वर्ष में सदस्यता जाने की बात और मुहर किसने लगाया था? कांग्रेस के पीरियड में यह व्यवस्था आई थी, लोग उस समय मांग किया था कि 5 वर्ष रखा जाए, लेकिन कांग्रेस के लोग ही इस व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। जीवन जी का भी भारतीय जनता पार्टी के नीति के तहत, जो कि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों को अवसर देता है। जदयू की मंशा तो बीजेपी पहले भी दबाव डालती थी। आप लोग देखते होंगे कि विधानसभा अध्यक्ष के नाते सदन में इससे संबंधित चित्रहित का मामला हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में 5 सीटों पर एमएलसी के जो चुनाव होने हैं उसे लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है। बात करें गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की, तो यहां पर जीवन कुमार के समर्थन में अब बीजेपी के बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं। गया में विजय सिन्हा पहुंचे थे और विजय सिन्हा ने जीवन कुमार के समर्थन में कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की शुरुआत यदि कहीं से करनी है तो आप यहीं से करिए और जीवन कुमार को जिता करके शिक्षा की बदहाली को न सिर्फ खत्म कीजिए बल्कि बिहार में बदलाव का आगाज भी कर दीजिए। इसके साथ ही विजय सिन्हा ने कांग्रेस के नेताओं को भी जवाब दिया और कांग्रेस द्वारा दिए जा रहे बयान को लेकर, राहुल गांधी के प्रकरण को लेकर उन्होंने जवाब दिया और क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की माननीय न्यायालय के फैसले पर कहां सहभागिता है, कहां संलिप्तता है? माननीय न्यायालय का जजमेंट पर जो व्यक्ति उंगली उठा रहे हैं संवैधानिक पद पर क्या बैठने के योग्य है? वो संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय हो, CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, उसके संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को घटाने का काम न करे। आपकी अपनी करनी, आज 2 वर्ष में सदस्यता जाने की बात और मुहर किसने लगाया था? कांग्रेस के पीरियड में यह व्यवस्था आई थी, लोग उस समय मांग किया था कि 5 वर्ष रखा जाए, लेकिन कांग्रेस के लोग ही इस व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। और आज जब कानून अपना काम कर रहा है तो छटपटाहट हो रही है। ये तमाम लोग जिनका भ्रष्ट आचरण और मानसिकता है, भ्रष्टाचार पर जब प्रहार होता है, इनके व्यवहार पर जब प्रहार होता है, सामाजिक सद्भाव और ताना बाना पर जब ये चोट करते हैं नकारात्मक बात को बोल करके, इसको जब संज्ञान में माननीय न्यायालय लेता है तो जनता को भ्रमित करने का ये खेल खेलते हैं। जनता समझती है ये 90 के दशक का बिहार नहीं रहा, ये बिहार 21वीं सदी का है, जहां 2/3 आबादी हमारा डिजिटल साक्षर है और ये डिजिटल साक्षर नौजवान विकास के प्रति और राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित है। इसलिए हम आग्रह करेंगे सभी मतदाताओं से कि बिहार 32-33 साल से बड़े भाई छोटे भाई के जिस नीति के तहत बर्बादी से आबादी की ओर बढ़ा और फिर बर्बादी की ओर ले जा रहा है, उससे एक बड़ा परिवर्तन आपके स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हमारे माननीय अवधेश बाबू को और जीवन जी को अपना पूरा समर्थन देकर आप नए बिहार का पहली ईंट रखने का काम करें। यही आग्रह के लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच और मतदाताओं के बीच आया हूं और बिहार के अंदर भी एक बड़ा बदलाव का शुभारंभ इस चुनाव से प्रारंभ होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे स्नातक क्षेत्र के माननीय अवधेश बाबू पहले से विधान परिषद के रूप में और सभापति के रूप में और लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी की नीति पर काम किए हैं और जनता के हित में वो पूरी तरह से समर्पित हैं। और जीवन जी का भी भारतीय जनता पार्टी के नीति के तहत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः समाज के प्रति समर्पित भाव
से काम करने वाले लोगों को अवसर देता है और जो इस संकल्प को सबका साथ सबका विकास और राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ने का जिसके मन के अंदर संकल्प है उनकी सफलता सुनिश्चित है। क्या सर, जिस तरह से पिछली बार जो MLC के चुनाव हुआ था शिक्षक व स्नातक का, उसमें जदयू और BJP साथ में चुनाव लड़े थे जिसमें अवधेश जी जीते भी थे और संजीव श्याम भी थे, क्या उसका असर भी इस बार देखने को मिलेगा? देखिए, इस बार उससे बेहतर इसलिए होगा कि आज जिस राजद के लोग विपक्ष में बैठ के बड़े बड़े सपना को लोगों को जगा रहे थे, अब बड़े सपना में घुमा रहे थे, आज सत्ता में बैठकर 10 लाख को नौकरी देंगे कहाँ गया, समान वेतन की भाव कहाँ खत्म हो गया। जदयू की मंशा तो BJP पहले भी दबाव डालती थी, आप लोग देखते होंगे कि विधानसभा अध्यक्ष के नाते सदन में इससे संबंधित वित्त रहित का मामला हो, शिक्षक से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित विषय पर हम लोग प्राथमिकता के साथ लोगों को अवसर देते थे। अब तो सदन में इस विषय पर पूरक भी नहीं होने देते हैं। सुना आपने, विजय सिन्हा काफी बातें कह रहे थे। पहले तो उन्होंने कांग्रेस वालों को खूब सुनाया, उसके बाद जीवन कुमार को लेकर लोगों से अपील की। बिहार गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि आप जीवन कुमार को जिताइए और बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं बिहार में, जो लोगों के जहन में चल रहा है, इन दोनों भाइयों ने जो शिक्षा की बदहाली कर दी है बिहार में, उस शिक्षा के स्तर को बढ़ाइए और जीवन कुमार को जिताइए। तो अपने प्रत्याशी के पक्ष में BJP के नेता उतर चुके हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी प्रचार किए जा रहे हैं और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए भी प्रचार हो रहे हैं। आपको बता होना चाहिए कि बिहार में 5 सीटों पर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र मिलाकर 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। हालांकि उनमें एक सीट ऐसी भी है जिस पर उपचुनाव होने वाला है, केदारनाथ पांडे के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। तो ऐसे में अब गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सरगर्मी तेज है, देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।